कोरोना संक्रमण के बीच लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में राज्य सरकार की गाइडलाइन के साथ रेस्टोरेंट, होटल, मॉल्स खुल गए हैं। कोटा में भी इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली। शहर के खुले मॉल्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मॉल में आने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और फिर इसके बाद मॉल्स में मास्क लगाकर शॉपिंग करने की इजाजत दी जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेश के बाद में आज 79 डेज के बाद में जो मॉलों को खोला जा रहा है। हम खड़े हैं कोटा के सिनी मॉल पर। सिनी मॉल के सामने आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। आज यहां पर 2 महीने से अधिक समय के बाद में मॉलों को खोला गया है, मगर अभी सुबह का समय है तो लोगों की आवाजाही नहीं हुई है, मगर मॉल प्रशासन द्वारा एक पुख्ता इंतजाम किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए यहाँ पर गोले बनाए, इन गोलों के जरिए ही लोग अंदर पहुंचेंगे। साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना दी गई है, जो भी लोग आएंगे उनको मास्क लगाना और जितने भी नियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो सिनी मॉल प्रबंधक उनको लागू कराने के लिए यहाँ पर मेन गेट पर ही इस तरह का एक सूचना चिपकाई गई है, जिसके तहत यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालना कर सकें। साथ में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है। उस मशीन के द्वारा यहाँ पर जो भी लोग मॉल के अंदर आएंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद में उनका टेम्परेचर नोट किया जाएगा। उस टेम्परेचर के बाद में, टेम्परेचर चेक करने के बाद में लोगों को मॉल में आवाजाही के लिए रखा जाएगा। साथ में आप देख सकते हैं एक स्प्रे लगाया जा रहा है, जहाँ पर जो लोहे की जो जालियां हैं उन पर स्प्रे किया जा रहा है। उस स्प्रे से यहाँ पर लोगों को कोरोना के से बचाव किया जा सके। साथ में आप देख सकते हैं अब सुबह का समय है, यहाँ पर लोग अपनी दुकानें मॉलों में खोल रहे हैं। लंबे समय का अंतराल और लंबे समय के अंतराल के बाद में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 महीने से अधिक समय होने के बाद में जो यहाँ पर जो लोग काम करते थे और जो लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बना हुआ था, मगर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉलों में आवाजाही शुरू होने वाली है और लोग यहाँ पर जुटेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सिने मॉल प्रबंधक के जो मैनेजर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सौरभ जी, सौरभ जी, किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह की पालना की जाएगी और किस तरह से गाइडलाइन के अनुसार मॉल को खोला जा रहा है? सर, गवर्नमेंट ने जो भी SOP दी है उसको हम पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। उसमें विशेषकर मास्क के बिना एंट्री नहीं है गेस्ट की, सैनिटाइज होना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का हमने विशेष ध्यान रखा है। 6 फीट की दूरी मेंटेन करना जरूरी है। अलग से टीम बनाई है जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएगी गेस्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉल प्रशासन के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो लगातार जो मॉल में लोग आएंगे उन पर नजर रखेगी और साथ में उनको चेतावनी भी देगी और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए एक पुख्ता कदम मॉल प्रशासन के द्वारा भी उठाया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से।